हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही अमेजिंग और डिफरेंट रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी है, मैगी मंचूरियन। तो फिर चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मुझे नूडल्स को बॉईल करना है। मैंने 2 ग्लास पानी डाला है। ये देखिए, अब मैं नूडल्स को डाल दे रही हूँ। मैंने नूडल्स डाल दिया है। इसे पूरी तरह से बॉईल करना है। ये देखिए, ये बॉईल हो रहे हैं। पानी पूरी तरह से सूख चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बॉल में। ये देखिए, मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसमें कटे हुए प्याज डाल रही हूँ। कैप्सिकम, दो टीस्पून कॉर्नफ्लोर। अब मैं इसमें 2 टीस्पून राइस फ्लोर डालूंगी। 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, टेस्ट मेकर। मैंने 2 पैकेट टेस्ट मेकर डाला है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून टमाटर सॉस डालूंगी। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखिए, इसी तरह स्पून से नहीं मिक्स हो रहे थे, इसलिए मैंने हाथों से मिक्स कर लिया है। इस तरह से मिक्स करना है और इसका अच्छा डो बना लेना है ताकि हमारे बॉल्स आसानी से बन जाए। ये देखिए, मैंने डो बना लिया है। अब इसे मैं ढक दे रही हूँ। अब देखिए, मैंने 2 नूडल्स लिया है, इसे मुझे क्रश करना है। ये देखिए, मैं हाथों से क्रश कर रही हूँ। मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप मिक्सर में ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। मैंने क्रश कर लिया है। ये देखिए, मैं बॉल में निकाल ली हूँ। अब हमें इस डो का बॉल्स बनाना है। इस तरह मैंने हाथों में पानी लगा लिया है ताकि ये चिपके नहीं। ये देखिए, इसी तरह मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं। अब देखिए, मैं मैगी से इसे कोट कर रही हूँ। इसी तरह मैं सारे बॉल्स को कोटिंग कर लूँगी। ये देखिए, हाथों से प्रेस करना है ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। ये देखिए, मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं। अब मैंने पैन में ऑयल लिया है। मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पे रखा है। मैं नूडल्स डाल के इस तरह चेक कर रही हूँ। ये देखिए, ऑयल हीट हो चुका है। ये देखिए, मैं बॉल्स इस तरह डाल दे रही हूँ और इसे गोल्डन फ्राई करना है। मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पे रखा है। अब मैं इसमें और बॉल्स ऐड कर रही हूँ। अब इसे फॉर्क की हेल्प से पलटते रहना है ताकि ये टूटे नहीं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने। ये देखिए, गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। मैं निकाल रही हूँ। इस तरह के इसे सभी बॉल्स को फ्राई कर लेना है। ये देखिए, मैंने सभी को फ्राई कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। इसके लिए मैंने लिया है अनियन, कैप्सिकम, टमाटो, गार्लिक और 2 हरी मिर्च। अब मैंने पैन में 1 चम्मच ऑयल डाला है। अब मैं इसमें गार्लिक डाल रही हूँ, 2 हरी मिर्च कटे हुए, अनियन डाल रही हूँ इसमें, कैप्सिकम, टमाटो। इसे फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम मैंने रखा है गैस को। इसे अच्छी तरह फ्राई करना है। 1 टीस्पून मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून सॉल्ट, आप अपने हिसाब से सॉल्ट डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करना है इस तरह से। 1 चम्मच में टमाटो सॉस डाल रही हूँ। अब मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ और इसे भी अच्छी तरह मिक्स करना है। अब देखिए, मैं इसमें मैगी मसाला ऐड कर रही हूँ। इसे टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
अब इसे भी मिक्स करना है अच्छी तरह। अब मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लेना है। ये देखिए बैटर तैयार हो चुका है, अब इसमें मैं ऐड करूँगी इसे ताकि हमारी ग्रेवी थिक बने। ये देखिए इससे टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसे भी अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखिए ये मिक्स हो गए हैं। अब इसमें मैं मैगी के बॉल्स डालूंगी इस तरह। ये देखिए इसी तरह इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल ली हूँ, इसे मैं कैप्सिकम से गार्निश कर दी हूँ ताकि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाए। धनिया भी डाल दी हूँ, धनिया पत्ती। ये देखिए मैंने टमाटो भी डाल दिया है चॉप किए हुए। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और टेस्टी लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही यम्मी है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से, देखिए कितने बहुत ज़्यादा ही क्रिस्पी हैं, डिलीशियस हैं बहुत ज़्यादा ही। हमारे मैगी मंचूरियन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। जो मैगी लवर हैं उनको तो बहुत ज़्यादा ही ये टेस्टी लगेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ओके, टेक केयर, बाय।